नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी में स्वागत है। आइए देखते हैं इंडियन पॉलिटी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप यूपीपीसीएस 2020 और बीपीएससी स्टेटिस्टिक्स 2020 और यूपीपीसीएस बीयू एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साथ में आप आरओआरओ 2016 या आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के लगभग सभी खंडों को कवर किया जाएगा। 25वां वीडियो है जिसमें आपको 2000 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन है, इसमें लोक अदालतों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। लोक अदालतों के बारे में, लोक अदालतों के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही है। लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार मामलों के मुकदमों के पहले ही उनके समाधान का है, न कि ऐसे मामलों के समाधान का जो किसी न्यायालय में लंबित हो। ये गलत है, पहला गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है, लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल है, आपराधिक मामलों में नहीं। लोक अदालतें सिविल मामलों के साथ साथ आपराधिक मामले भी देख सकती हैं, तो ये भी गलत है इसका। प्रत्येक लोक अदालत में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं। इसमें दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो तीसरा भी गलत है। उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है, तो बिल्कुल सही, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए, आपको बताना है। जब भारत आजाद हुआ 1950 में जो है, तो 1935 का जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है भारतीय संविधान में समाहित किया गया, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का परिणाम, भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन। तो इसमें जो है आपका सही आंसर है, राज्य के नीति सिद्धांत को जो है समाहित किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के जो भारत के संविधान 1950 के रूप में समाहित किया गया, तो राज्य के नीति सिद्धांत, तो राज्य के नीति सिद्धांत जो है संविधान के भाग चार में है, संविधान के भाग चार में 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख है, राज्य के नीति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है, कौन जो है वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद में जो है रखने के लिए बाध्य कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है। आपको बता दें, वित्त आयोग का उल्लेख जो है संविधान में 280 में किया गया है, संविधान के 280 में है, संविधान के भाग 12 में। और एक वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष प्लस चार अन्य सदस्य होते हैं, कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग देखें तो 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष जो है एन के सिंह है। वित्त आयोग को लेकर अनुच्छेद 280 भारत के संविधान में जो है 12 भाग में है, 12वें भाग में, और 280 अनुच्छेद में, इसमें जो एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, एन के सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा उसे संसद प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग, व्यय विभाग। तो केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग जो है केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण में संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। भारत में जिला स्तर पर जो उपभोक्ता विवाद निवारण में संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो जिले में एक से अधिक जो है अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। नहीं, एक जिले में एक ही उपभोक्ता फोरम होगा, क्योंकि पहला गलत है। जिला फोरम की एक सदस्य महिला होगी, ये ऐसा उल्लेख इसमें नहीं है। अगला है, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जहां वस्तु अथवा सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं है। बिल्कुल सही है, जिला फोरम जो है उन्हीं विवादों को सुनता है, उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है
जो वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य जो है 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी बेची गई वस्तु अथवा प्रदान की गई सेवा के संबंध में जिला फोरम राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता के समान हित के प्रतिनिधि के तौर पर की सकती है। नहीं, गलत है। तो आमतौर पर जो जिला फोरम हो जाता है 50 लाख के वस्तुओं को जो है सेवाओं वस्तुओं के संदर्भ में शिकायतों का हाथ में लेता है। वहीं अगर 50 लाख से अधिक हो, यदि 1 करोड़ की बात हो, 1 करोड़ से 50 करोड़ से अधिक, तो आ जाए स्टेट राज्य स्तर पर आ जाएगा। राज्य स्तर पर फोरम जो होगा स्टेट स्तर पर, उसके बाद जो है उससे अधिक होगा तो केंद्रीय स्तर पर। तो इसमें सही है, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जहां वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों और शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो उस राज्य विशेष में पंचायती राज विनियोग किए जाते हैं? जिला आयोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य का वित्त मंत्रालय, राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। उसका सही आंसर है बी, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है करों शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो उस राज्य विशेष पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं। तो राज्य वित्त आयोग, आपको बता दें संविधान में जो है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243 243 आई में है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। वहीं जिला आयोजन समिति का उल्लेख जो है संविधान के 243 ZD में है। ZD में जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। तो 243 ZD में जो है जिला आयोजन समिति का उल्लेख किया गया है। वहीं राज्य वित्त आयोग का उल्लेख जो है 243 I में जो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये स्टेट PCS में जो है अनुच्छेदों से जो अक्सर पूछे जाते हैं, राज्य वित्त आयोग से संबंधित या राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन जो आते रहते हैं, तो राज्य वित्त आयोग 243 I में है। वहीं जिला आयोजन समिति का उल्लेख जो है 243 ZD में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट में लेन देन कर सकता है जो है, निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बताना है। तो भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट में लेन देन कर सकता है, केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य द्वारा जो है संग्रह किए जाते हैं। तो नहीं, ये जो है प्रतिभूति विनिमय और फ्यूचर मार्केट में लेन देन जो है केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पर पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? जिला आयोजन समिति, अब आपको 73वां संविधान 1992 के बारे में है वो आपको बताना है। जिला आयोजन समिति का गठन, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग का स्थापना। तो आपको बताते हैं जो है 73वां संविधान अधिनियम 1992 के माध्यम से जिला आयोजन समिति का गठन नहीं किया जाता है। जिला आयोजन समिति का गठन नगर पालिका किया जाता है, 74वां संविधान सभा 1992। राज्य जो है इसका गठन 74वां संविधान 1992 किया गया है, नगर पालिका समिति, नगर पालिका में आता है जिला आयोजन समिति का गठन। जिला आयोजन समिति का है अनुच्छेद 243 ZD में इसका उल्लेख किया गया। तो बिल्कुल पहला गलत है, आप देख लें पहला कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे पहला है, ऑप्शन से भी आ सकता है, आपका उत्तर सी हो जाएगा, 2 3 सही है। हालांकि पढ़ भी लेते हैं, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव कराएगा, बिल्कुल सही है, राज्य चुनाव आयोग जो है पंचायतों का चुनाव कराएगा। और राज्य वित्त आयोग जो है इसी संबंधित 73वां संविधान 1992 में आया था, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। आपको यही बता दें जो है राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के लिए इसका अनुच्छेद 243 243 के में इसका उल्लेख किया गया है, 243 के में जो है राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में चुनाव आयोग का उल्लेख और वित्त आयोग का उल्लेख बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाता है। तो जो है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख जो है 243 I में है, 243 I में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। वहीं राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख 243 के में किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन सिर्फ दो हैं, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। बाकी जिला आयोजन समिति जो है 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और इसका उल्लेख जो 243 ZD में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय अथवा समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ का अधिकारी होगा?
बताना है। पहला इसमें है, ये विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन कर सकता है। बिल्कुल सही है। यदि एक धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो जो है यह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति स्वमेव उक्त समुदाय का एक प्रतिनिधि लोकसभा में नामित करता है। नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय का कोई जो है प्रतिनिधि को राष्ट्रपति नामित नहीं करता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा है, यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। यदि किसी समुदाय या समुदाय को या धार्मिक संप्रदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। 1-3 सही है, 1 और 3 सही है। अगर आप देखते हैं कि 2 आपका गलत है, 2 आपका यहाँ भी है, बी में भी है, कर देते हैं, डी में भी गलत है, तो आपका उत्तर सी आ ही जाता। बस आपको पता होता कि 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रपति जो स्वयं उक्त समुदाय का एक प्रतिनिधि लोकसभा में नामित करता है, नहीं, राज जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस 2 एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति नामित करता है। वहीं राज्यसभा में देखा जाए जो है 12 लोगों को नामित करता है। लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला है, भारत में लाखों विकलांग व्यक्ति रहते हैं, कानून के अंतर्गत उन्हें कौन से लाभ प्राप्त हैं? सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक मुक्त शिक्षा प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, दूसरा व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि के आवंटन में प्राथमिकता, तो बिल्कुल सही है। और तीसरा है, सार्वजनिक भवनों में ढलवा सीढ़ी प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। यदि भारत में लाखों विकलांग व्यक्ति हैं, कानून के अंतर्गत उन्हें लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत के संचित निधि से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। तो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए, वो भारत की संचित और भारत की संसद द्वारा, भारत की संसद द्वारा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकासी के लिए प्राधिकरण की रूप से आना चाहिए। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के लिए जमा किए जाते हैं। आपको बताना है, करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के रूप में जमा किए जाते हैं। भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेखा में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, या जमा एवं अग्रिम निधि में। इसका सही आंसर है, करों अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार को जो भी प्राप्त होता है राजस्व के रूप में, वह है जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है जमा किया जाता है, भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। भारत की संचित निधि का उल्लेख 266 में है, अनुच्छेद 266 में जो है भारत की संचित निधि का उल्लेख है। वहीं आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है 266 में है, वहीं आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में है। तो करों और प्राप्तियों के रूप में जो भी सरकार को राजस्व रूप में प्राप्त होता है वह जो है जमा किया जाता है भारत के संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, भारत के जो है पूरब की ओर देखो की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत पूर्वी एशिया के मामले में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो बिल्कुल सही है। पूर्व की ओर देखो की नीति में जो है भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद व्याप्त निर्वात को भरना चाहता है, नहीं, ये इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है, भारत जो है दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है, तो बिल्कुल सही है। भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है, तो 1 और 3 सही इसका आंसर है, 2 गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको बताते हैं, पूर्व की ओर देखो कि नीति जो है आई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1992 में आई थी। एग्जाम में पूछा सकता है कि पूर्व की ओर देखो कि नीति कब आई थी, तो 1992 में आई थी। तो उस समय नरसिम्हा राव सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। तो पूर्व की ओर देखो नीति कब आई थी, 1992 में आई थी। उसके दो इसके पहला और तीसरा सही, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा
जो है जब पारित नहीं किया जाता है, केंद्रीय वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता है, बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है, बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री को पद त्याग के लिए कहा जाता है, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। जब जो है प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं, तब तो वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता है, तब जो है लोकसभा द्वारा जो है वार्षिक केंद्रीय बजट पारित नहीं किया जाता है, जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट अगला है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको बताना है कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना तथा उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो संविधान को मानना, उसके आदर्शों का सम्मान करना एक जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। डी सही है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना इसमें भी शामिल है। वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करना बिल्कुल सही है। सार्वजनिक चुनाव का मतदान, चुनाव मतदान ये इसका उल्लेख जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं किया गया है, तो इसका आंसर देगा पहला, यही इसका आंसर है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सार्वजनिक चुनाव मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत में वित्त आयोग के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। यह आधारभूत संरचना के विकास के लिए विदेशी पूंजी का आगम प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल गलत है, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्त का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करना, ये भी वित्त आयोग का कार्य नहीं है, यह वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई सही नहीं है, न तो ए बी सी डी, ए बी सी कोई तीनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार, खाद का अधिकार, उपरोक्त में से कौन जो है मानव अधिकार की जो है सार्वभौम घोषणा पत्र के अंतर्गत जो है मानव अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार ये भी है, सार्वजनिक मामलों में समान पहुंच का अधिकार दूसरा भी सही है, खाद का अधिकार, तीनों जो है मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र के अंतर्गत मानव अधिकार आते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत में महानगरीय आयोजन समिति, भारत में महानगरीय आयोजन आयोजना समिति के संदर्भ में, महानगरीय आयोजन समिति के संदर्भ में जो है का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है, बिल्कुल सही है, जिसका गठन जो भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही है। अगला है, महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, बिल्कुल सही है, महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, तो महानगरीय क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है, इसका तीनों आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, लोक लेखा मत, वोट ऑन अकाउंट तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है। लेखा मत के प्रावधान का इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती है, जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग जो है काम चलाऊ सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो लोक लेखा के प्रावधान का इस्तेमाल नियमित सरकार करती है, जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग काम चलाऊ सरकार करती है, तो इसमें गलत हो जाएगा, पहला जो है इसका है पॉइंट्स गलत है। दूसरा है, लेखा मत सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित है, लेखा मत जो है सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च और प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है, आंसर सिर्फ दो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें की गई है, तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट अगला है,
पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो पंचायती क्षेत्र अधिनियम 1996, इसको पेसा अधिनियम कहते हैं, इसको पेसा अधिनियम कहते हैं या विस्तार अधिनियम भी कहते हैं, या विस्तार अधिनियम या पेसा अधिनियम दो नामों से जाना जाता है, या पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 में आया था। तो आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति का उल्लेख है? पहला पॉइंट है, ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से बिलगाव रोकने की शक्ति है। बिल्कुल सही है, अनुसूचित क्षेत्रों में जो है ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से बिलगाव रोकने की शक्ति है। दूसरा पॉइंट है, ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज पर स्वामित्व है। बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, यदि किसी भी अनुसूचित क्षेत्रों में जो है खनिज के लिए लाइसेंस या पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, इसको तीनों ही आंसर इसके सही है। तो पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में। या विस्तार अधिनियम कब आया था? 1996 में। तो इसी को कहते हैं पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम, 1996 में आया था, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार इसका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। दूसरा पॉइंट, विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से सूचना एकत्र करने देना। तीसरा है, अनुदान मांगों में किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना। चौथा है, कुछ सदस्यों के असंगत तथा हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्रवाई को स्थगित करना। तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना ही स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी NGT के बारे में, भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया गया है? आपको बताना कि NGT का जो भारत के संविधान में किस प्रावधान में जिसको शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, और दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 275A के तहत वन के तहत जो अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर उन्नत बनाने के लिए अनुदान संबंधी प्रावधान। तीसरा है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों का। तो NGT का जो है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से प्रावधान में संगति में अधिनियमित किया गया है, तो इसका आंसर पहला है अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसमें दूसरा और तीसरा इसके गलत है, इसका सही आंसर जगह पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यही आपको पता चल गया है कि NGT कब आया था, 2010 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत के संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, तो भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन, और तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और चौथा है सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। उपरोक्त में से कौन से राज्य के सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों है कौन से गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिंबित होता या होते हैं? तो गांधीवादी सिद्ध के मौलिक राज्य के सिद्धांतों को तीन वर्गों में बांटा गया है, गांधीवादी, दूसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत, और तीसरा है समाजवादी सिद्धांतों में बैठा, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिक सिद्धांत, और तीसरा समाजवादी सिद्धांतों, तीन में इसको बांटा गया है, राज्य के सिद्धांत को तीन वर्गों में वर्गीकरण इसका किया गया है। तो इसमें आपको गांधीवादी सिद्धांतों बताना है। तो पहला है भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता,
जी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद जो है 44 में किया गया है, ये एक उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है, ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है, तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, ये गांधीवादी सिद्धांतों में नहीं आता है। तीसरा, ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 में किया गया है, ये जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंदर आता है। कुटीर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल सही है, ये अनुच्छेद 43 में आता है, ये गांधीवादी सिद्धांत पे है। अगला है, सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश, सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना, ये भी गांधीवादी सिद्धांत में आता है, तो दो और तीन आते हैं, चौथा नहीं आता है। चौथा, क्योंकि ये सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश, सांस्कृतिक जो है ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। दो ही तीन इसके सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये दो ही ऐसे अनुच्छेद, दो ही ऐसे पॉइंट है जो गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिंबित होता है। बाकी भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है, ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। वहीं सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश, सांस्कृतिक अवसर, ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो राज्यसभा में जो है संघीय यानी यूटी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में जो देखा जाए तो यूटी में जो दिल्ली और दूसरा है पुद्दुचेरी का उल्लेख है, इसमें जो है सदस्य जो है राज्यसभा में आते हैं, दिल्ली से जो है तीन आते हैं, वहीं पुद्दुचेरी से एक सदस्य जो है राज्यसभा में निर्वाचित होता है। तो इस पहला क्या है, राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। और दूसरा है, चुनावी विवादों में वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है, बिल्कुल गलत है, इसके अधिकार में यह नहीं आता है। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संसद केवल लोकसभा राज्यसभा से मिलकर नहीं बनती है, संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट तीनों से मिलकर बनती है, जो कि गलत है, इसमें से कोई भी सही इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगला है, भारतीय कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों या विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। पहला, उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए अधिकस्थ है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए अधिकस्थ है, बिल्कुल सही है। यदि कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर करता है तो उसे कोई शुल्क नहीं कोई शुल्क दे नहीं होता है, शुल्क देना पड़ता है, जो कि गलत है, उसे शुल्क देना पड़ता है। दूसरा, तीसरा है, किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी की तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर सकता है, बिल्कुल सही है। एक और तीन इसके आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगला है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालता या संभालती है, बिल्कुल गलत है। और राज्यसभा के जो राष्ट्रपति की इच्छा पर वह यानी 7 पर्यंत नहीं पद धारण करता है, बिल्कुल गलत है, गलत हो जाएगा। चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, किंतु चुनाव की तिथि से 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ता है, बिल्कुल गलत है। जब किसी भी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके लिए अनिवार्य है कि वह सदन का सदस्य हो, तभी वह जो है लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। मंत्रियों के संदर्भ में नहीं है, कोई मंत्री जो है बिना किसी सदन का सदस्य है 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, उसके बाद उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए उसे आवश्यक है कि वह सदन का सदस्य हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अगर वह त्यागपत्र देना चाहता या चाहती है तो उसका त्यागपत्र उप लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित होगा, बिल्कुल सही है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो उपाध्यक्ष को देता है, वहीं उपाध्यक्ष जो अपना अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, तो बिल्कुल सही है। तो दो और इसके एक और दो गलत हैं, केवल तीसरा सही है। आपको बता दें, लोकसभा के अध्यक्ष का जो है एक लोकसभा में अध्यक्ष होगा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 93 में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, अनुच्छेद 93 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो बिल्कुल सही है, यदि भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के विवाद अगर बीच विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, या बिल्कुल सही। संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका के चुनाव से कोई विवाद हो, बिल्कुल ये गलत है, इसके अंतर्गत ये नहीं आता है। भारत सरकार या किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद हो, भारत सरकार या संघीय क्षेत्र के बीच कोई यूटी नहीं, इसमें नहीं। चौथा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसका आंसर 1 और 4 ही सही है। तो मूल क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 131 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 131 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया। इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या भारत सरकार या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है, आपको बताना है। प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में द्वैत शासन की शुरुआत, तो बिल्कुल सही, जब 1919 का अधिनियम आया था तो प्रांतों में द्वैत शासन अधिनियम लगा दिया गया था। और मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, तो मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक नियोजन मंडल जो है 1909 में आया था, पार्लियामेंट सुधार। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का प्रतिनिधायन करना, बिल्कुल सही है, तीसरा भी पॉइंट सही है, 1 और 3 सही हैं इसके। प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया गया था, लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र में जो है द्वैत शासन अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट, अगला है, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, कोताना है। भारत के संविधान द्वारा जो है राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन तथा राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये गलत है। इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने या एक अखिल भारतीय या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने की शक्ति प्रदान करना, बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना तथा राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, बिल्कुल गलत है, इसकी शक्तियां नहीं है। चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण तथा चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारण करना, यह राष्ट्रपति का कार्य, इसका कार्य नहीं है। आपको बता दें, राज्यसभा की विशेष शक्ति आ गई है कि वह राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं, और साथ में एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने की बात की गई है। तो राज्य सूची में जो है 249 के तहत जो है राज्यसभा की सूची राज्य की सूची में जो है विषय में राज्य सूची के विषय में राज्यसभा जो कानून बना सकते हैं, वहीं नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने के लिए अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को ये विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की संसद की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति जो है अनुच्छेद 249 में, वहीं एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करने के लिए 312, इसका अनुच्छेद 312 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सही इसका है बी। अगला है, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित हैं, आपको बताना है। सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं, संसद के समक्ष वार्षिक वित्त विवरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है, संसद के समक्ष वार्षिक वित्त विवरण करना जो है सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण में आता है। दूसरा है, विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही कंसोलिडेटेड फंड से राशि की निकासी करना, ये भी सही आता है इसमें। तीसरा है, पूरक अनुदान तथा लेखा मत संबंधी प्रावधान, बिल्कुल सही है। चौथा है, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा बृहद अर्थशास्त्रीय पूर्व सूचना तथा व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम का सावधिक अथवा कम से कम जो है कम से कम वर्ष मध्य समीक्षा करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। पांचवा है, संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करना, ये भी सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर पहला है, 1, 2, 3, 5 सही है, 4 इसका गलत है। नेक्स्ट, अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान का प्रभाव जो शिक्षा पर है होता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है, राज्य की नीति सिद्धांत, ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय,
पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो शिक्षा, शिक्षा पर प्रभाव जो है पहला राज केंद्र सिद्धांत सिद्धांत से है, ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से है, पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, सातवीं अनुसूची में है। यह आपको बता दें पांचवीं अनुसूची जो है, पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में जो है प्रशासन से संबंधित है, वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में, वहीं जो है छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसके एक, दो और पाँच आते हैं, एक, दो, पाँच, इसके आंसर सी सही है। नेक्स्ट अगला है, भारत में यह सुनिश्चित करने के लिए, करने के अतिरिक्त कि सार्वजनिक निधि का कुशलतापूर्वक तथा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही उपयोग हो रहा है। भारत के महालेखा नियंत्रण एवं परीक्षक CAG के कार्यालय का क्या महत्व है? तो महालेखा नियंत्रण एवं परीक्षक संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, जबकि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल घोषणा करता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपातकाल की घोषणा ही करता है। बिल्कुल गलत है यह। तो महालेखा नियंत्रक संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, जबकि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपात की घोषणा कर दी हो। ऐसा नहीं है, गलत है पहला। दूसरा है, लोक लेखा समिति के मंत्रालयों की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यपालन पर CAG प्रतिवेदन पर चर्चा होती है। तो बिल्कुल सही है, चर्चा होती है। दूसरा है, CAG प्रतिवेदन में उस उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग कर जांच एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा सकती है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में नियमों का अतिक्रमण किया है। बिल्कुल सही है। तीसरा है, सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा तथा लेखा देखते हुए CAG को कतिपय न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उपयोग उनके विरुद्ध किया सकता है, किया सकता है जिन्होंने कानून तोड़ा है। बिल्कुल सही है। सॉरी, बिल्कुल गलत है। न्यायिक शक्तियां जो है उसको प्राप्त नहीं है, उसको कानून जिसने तोड़ा है, ये इसका गलत हो जाएगा यह। तो एक, सॉरी, इसका दो और तीन सही है, आंसर हो जाएगा सी। आपको बता दें भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का उल्लेख जो है संविधान के भाग पांच में, संविधान के भाग पांच में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।